अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरी यूट्यूब फैमिली। तो भाई हमारे यहाँ हुए दो रतन जी, दो बच्चे, एक छोटी सी मेमी के, इतना मेमी नहीं है जितने इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। और भी मीर और हमजा को बहुत अच्छे लग रहे थे, आज मैं उसका व्लॉग देख रहा था। तो मीर ये देखिए अपने भी हो गए भाई, ठीक है। तो जब तुम मतलब इधर पंजाब आओगे तो तुम्हें एक दूँगा यहाँ से, छोटे छोटे बच्चे। और भी इसके मम्मा का दूध थोड़ा है, तो अभी वसीम ने इसे फिटर से दूध पिला रहा है। तो देखिए ये दूध पी रहे हैं हमारे छोटे छोटे दो बच्चे, और इसने भी मेहंदी भी लगाई हुई है सर पर भाई। ये रात ही हुए तो इनका दूध है थोड़ा, तो वसीम इसने फिटर से दूध पिलवाता है, बहुत प्यारे है। तो अल्लाह ताला भी मीर और हमजा और फादिया दुआ को खुश रखे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो अभी ये देखें मेरा हमजा भैया तुम्हारे लिए बना रहा हूँ भैया, भी आप लोग खुश हो जाएं इसको देखकर। ये मिम्मी कैसे दूध पी ली है, ये ख़ास तौर ये वीडियो ये दुआ फातिमा मीर और इनके लिए, बच्चों के लिए, छोटों के लिए, कि उन्हें बहुत प्यारा लगता है जब आते हैं यहाँ पर पंजाब में। ये बच्चे ये बकरियों के बच्चों से बहुत खेलते हैं वो। उन्होंने तंदूर बनाया जिनमें गर्मियों में रोटी पकेगी, तो यह छोटा सा एक और ये बनाया और वो एक वो भी। तो इसमें इंशाल्लाह अभी इसे भी अंदर मिट्टी में बंद करना पड़ेगा और इसमें रोटियां बनाएंगे। ये रहा जी इनका दूध। चलो जी अभी दूध पिया के फीटर से दूध पीते हैं भाई। वसीम इनके माँ का दूध थोड़ा है ना जी। अच्छा इनको देखें जी आराम से खड़ा हुआ है, बारी बारी से दूध पिलाएगा वसीम इन्हें। चलो जी चलो, तो फिर इनकी बारी भी आ जाएगी भी। हाँ लेडीज ना हमारे बच्चे ना आराम से नहीं बैठते। और ये देखिए ये बना रहे हैं, ये सुई से ही बनती है, ये देखो ये बारीक सी सुई है, इसी से धागा ये लाइक है ना, ये से सीते रहते हैं छोटे छोटे टुकड़े जो है ना, इसे सिंधी कही जाती है भी, सिंधी में ये है ये बनाए ये भी इसमें। और भी बेड के लिए भी बनाते हैं, चारपाई के लिए भी बनाते हैं, लेकिन इसमें बहुत कमाल जो है ना मेहनत होती है भाई। चलो रोज़ा रख के बैठ जाते हैं, आराम आराम से बनाते रहते हैं, लेकिन इसमें मेहनत बहुत है अभी मेरी यूट्यूब फैमिली। और किसी को बनवानी, किसी को चाहिए तो अभी आप लोगों को लिए गिफ्ट करूँगा इंशाल्लाह, जिनको चाहिए कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह करे हंसते रहो, बसते रहो, आबाद रहो, शाद रहो, सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए। अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और जी अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। आज बात करूंगा जी भाभी रुबीना के बारे में, और भी तारा सिस्टर के बारे में, और भी अपनी प्यारी जी नजमा साहब कराची वाले जो हमारी बहन है उनके लिए बात करूंगा भी, वो क्या हैं और कैसे सपोर्ट करती हैं इस तारा बेटी को, और तारा सिस्टर कैसे सपोर्ट करती हैं इस तारा को, ये सब चीज़ें आप लोगों को बताइएगा, बतानी है तो आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है और गौर करना वीडियो पर। तो जो सच्ची बात है वही करनी चाहिए, ताकि ऐसा नहीं खुशामद पर जो है ना खाम खा के खुशामद नहीं करनी चाहिए, सच्ची बात करनी चाहिए। जो इंसान सच्चा है सच्चाई पर रहमत है, और जो झूठ है उस पर लानत है। रिज्क का वारिस मेरा अल्लाह है, इंसान किसी को नहीं देता, रिज्क अल्लाह देता है। लेकिन खाम खा के किसी की गिबत करना और खाम खा की खुशामद करना ये भी गुनाह है भी, मतलब आप वो बंदा ऐसा है नहीं तो उसकी खुशामद करो, वो बल्ले 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 बहुत अच्छा है, तो ये भी गुनाह है, ये यानी कि शिर्क है। तो भाई पहले बात करेंगे भाई कराची से जो नजमा सिस्टर है, उसने तारा बेटी का बहुत साथ दिया, और पूरे यानी कि पूरे घराने का, दिलबर का, बाबर का, फातिमा बेटी सुमैरा को उनको उन्होंने बेटी बना रखा है। और जब भी मैं मुझसे पहले का तलब भी मैं जब कराची एन हुआ तो भाई उन्हें मिला देखा तो बहुत अच्छी बंदी हैं हमारी वो सिस्टर, अल्लाह ताला उसकी उम्र दराज करे। वो डॉक्टर भी हैं, तो अब तो रिटायर हैं लेकिन डॉक्टर रह चुकी हैं, तो बहुत अच्छी हैं। उनका भी ऐसे ही प्यार है, हर बंदे गरीब के साथ उन्होंने साथ देना। और भाई ईद पर भी वो मतलब लोगों को, गरीबों को फ़ंड देते हैं, रोज़े के लिए फ़ंड भी देती है वो बंदी, गरीब गरीब बंदों को जो है ना वो मतलब कपड़े
या राशन रमज़ान शरीफ के लिए वो भी देते हैं। तो एज ए इंसानियत बहुत उसमें प्यार है लोगों के साथ। जब वो जो आँखों से देखा है रोज़े के साथ बैठा हूँ, तो नजमा सिस्टर ने हमारा भी बहुत साथ दिया और भी सितारा बेटी के लिए भी बहुत उनको प्यार था। और भाई हर आठ दिन हफ्ते के अंदर एक चक्कर तो उसने लगाना होता था तारा बेटी का हाल वाल पूछना, उसका दुख दर्द। जब परेशान थी उसने आके सर पर हाथ रखा, भाभी यहाँ सऊदी अरब थी तो यहाँ कोई नहीं था, तो उसने आके अम्मी बनी, उसने कहा बेटा मैं अम्मा आपकी हूँ ना, अम्मी हूँ, आप टेंशन ना ले। तो उसने बहुत साथ दिया, नजमा सिस्टर ने उसका बहुत शुक्रिया। तो अब लोग उसको टाउंट कर रहे हैं भी वो उसको भी रास्ते से हटाया जाए, लेकिन जो प्यार करते हैं ना दिल से वो हटते नहीं हैं। अच्छा जी, तो दूसरी बात करूँगा तहरा सिस्टर की। तहरा सिस्टर का क्या इसमें कमाल है? कमाल ऐसा है कि भाई सितारा बेटी ने कराची में भी केसेस किए थे, लेकिन वो केसेस कुछ साल ले गए, लेकिन जैसे सितारा बेटी वहाँ गई और वहाँ जाके केसेस किए तहरा सिस्टर ने, तो भाई वो केस कर भी सकती है और भी उसका जो है ना पता भी था उसको भी केस कैसे कराना है, रेबिक्राम में जाके केस कराना आम बात नहीं थी। तो हम तो एक साल से कराची में घूम रहे थे, पैसे भी बहुत सितारा बेटी के लग गए, लेकिन केस मुकम्मल नहीं हो रहे थे, मतलब वकील पैसे खा रहे थे। और जब केस की मतलब वो होने लगी नए, तो वो फिर मतलब इस्लामाबाद शिफ्ट हुई, तो यहाँ वाला पैसा उसका रह गया। अब केस हो चुके हैं, कराची वाला केस भी मुकम्मल है, लेकिन तहरा सिस्टर ने जो फिर कमाल दिखाई, जैसे केस किया, जो गाली गलौज दे रहा था, अभी जो बुरा भला कह रहा था, रात दिन ट्रोल कर रहे थे, तो तकरीबन आप सब देख रहे होंगे कि चुप हो गई है। हमारी कमाल ये है कि हम बातों से मतलब बातों का जवाब बातों से दे रहे थे या गाली गलौज खा रहे थे, जितना आवाम गाली गलौज खा रही थी वो गाली वालों से जान छुड़ाई तहरा सिस्टर ने, उनका बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी हमारे पूरे ख़ानदान को भी बचा लिया गालियों से। और मेरे ख़ानदान को क्या भी बहुत सारी लेडीज इसमें गालियां खा रही थी, बहुत सारी रो रही थी। तो जब सितारा बेटी को खुश देखा सब ने, तो सब खुश हुए, तो सब ने दुआएं दी तहरा सिस्टर को। तहरा सिस्टर ऐसी नहीं है कि जब मैंने अभी जाके इस्लामाबाद में सुना है, तो हर लेडीज़ का साथ देती हैं, जो भी कमज़ोर लेडीज़ हो सबका साथ देती है। कि अपना सितारा बेटी से पहले जाने से पहले भी वो जो भी उसको लेडीज़ उसके पास आती है कि मेरे साथ ये परेशानी, सबका साथ देती हैं। अल्लाह ताला ने उसे हिम्मत दी है, तो हिम्मत करते रहे। बाकी जो हमारी बातें हैं चैनल वालों की, चैनल तो सब ने बनाए, लेकिन हर बंदे ने अपने अपने मफाद भी उठाए, ठीक है। कुछ चंद लोग थे जिन्होंने बग़ैर मफाद के गाली गलौज खाई, चंद चैनल थे जिन्होंने बग़ैर मफाद के गाली गलौज खाई और भी ट्रोल होते रहे, लेकिन भरपूर साथ दिया सितारा बेटी का उन्होंने, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। तो खैर, अब जो पुराने मुर्दे थे उसे हम अघोड़ नहीं सकते, निकाल नहीं सकते, जो बात ख़त्म हो गई है उस बात को फिर पीछे ले जाएं, भाई सलमा बेटी ने ऐसा किया और सितारा बेटी के साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो अब उन बातों को हम बहुत पीछे छोड़ाएँ तो ना उसे याद करेंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब कोई ऐसा मसला हमारी तरफ से बिल्कुल नहीं है। तारा सपोर्टर अल्हम्दुलिल्लाह अपना रिव्यू रिएक्शन बना रहे हैं जो आजकल हो रहा है। तो बकाया जो बातें थी असगर सलमा और ये वो अरबी सब चीज़ वो मतलब, और भाई जितना भी हेटर थे सब का नाम नहीं लिया जा रहा अभी। अभी जो है ना रमज़ान शरीफ आ चुका है, अब रमज़ान शरीफ में जो बातें हैं वो करें और रमज़ान शरीफ में सवाब कमाएं, नमाज रोज़ा रखें, सदका जारिया दें, क्योंकि सदका जारिया देना बहुत सवाब है। और टाइम से देंगे, किसी को कपड़े देने हैं कपड़े दे दें, किसी को आपने राशन देना है वो दे दें, तो बहुत सवाब है आपके दिए हुए से। वो रोज़ा अख्तियार करेंगे रखेंगे, या आपका दिया हुआ कपड़ा वो पहनेंगे, तो जिन्हों जिन्होंने देना है भाई अभी से देना शुरू कर देगा, तो भाई उनका रमज़ान शरीफ अच्छा गुजर जाएगा। जिन्होंने अल्लाह ताला ने जिनको दी है वो जिनको देना है वो टाइम से दें, ताकि गरीब बंदे जो है ना टाइम से अपने कपड़े सिलवा सकें,
अपना रोज़ा अच्छा सा रख सकें, अपने बच्चों को अच्छा खिला सकें, तो आपको भी सवाब होगा और उनका भी काम हो जाएगा। तो देने वाले तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन किसी को कम किसी को ज़्यादा अल्लाह ताला ने दिया है। जिनको ज़्यादा दिया है साहब तौफीक है, उनके पास साहब जहदात हैं, तो वो गरीबों को अभी से देंगे तो उनका जो है ना रमज़ान शरीफ अच्छा गुजर जाएगा। बहुत सारे घर हैं, अभी मैं आप लोगों को क्या बताऊं क्या भाई, सुबह की होती है शाम की नहीं होती, तो वो रोज़ा कैसे रखेंगे, उनको दूध भी चाहिए, उनको फ्रूट के साथ रोज़ा अफ्तार भी करना है, सब चीज़ करनी है, तो उतना मतलब रमज़ान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा खर्च होता है। जो रोज़े रख रहे हैं उन्हें सब पता होगा, मेरे मुसलमान भाइयों को बहन भाइयों को जो रोज़े रख रहे हैं अभी देख रहे होंगे भाई कितना खर्च है। एक गरीब बंदा जो 1000 दिहाड़ी या 700 दिहाड़ी लेता है, उसमें क्या क्या लाएगा घर में, घी लाएगा, चीनी लाएगा, पत्ती लाएगा, या कुछ उसके घर में तकलीफ़ होगी उसका कुछ करेगा, या कपड़े लेगा ईद के लिए, वो क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। तो बस जैसे गरीब हुआ ना, वो मतलब गुजारा कर रहा है ज़िंदगी का, वैसे गुजारा ही कर रहा होगा। तो 700-800 दिहाड़ी में कुछ नहीं बनता इंसान में, सारा दिन काम करे शाम को 700-800 रुपये दिहाड़ी मिलती है, तो उसमें वो ना अच्छे तरीके से रोज़े रख सकता है ना अच्छा पहन सकता है, बस अपनी ज़िंदगी का गुजारा ही कर रहे हैं कुछ लोग। बस अल्लाह ताला सब पर करम करे। और दूसरी बात करूँगा, अभी सितारा बैठ रही, अगर कुछ नमाज दिखाती हो आप लोगों को इतराज़ है, गाड़ी ले इतराज़ है, अगर घर ले तो आप लोगों को भी फिर भी टेंशन है। तो अभी रोज़े दिखा रही है तो फिर भी आप लोग बात करने से नहीं जाते, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। आप ऐसे करें कि भाई अब तो रमज़ान शरीफ है, आप चुप बैठ जाएं, शैतान भी बांध चुका है, लेकिन पता नहीं ऐसी बातें करने के लिए आप लोगों को क्यों, उस बजाय सवाब के आप लोग गुनाह कमा रहे हैं रमज़ान शरीफ में, वो छोड़ दें किसी को ट्रोल करना, ताकि हमें भी मतलब पता हो हमें भी ट्रोल पे, किसी को अगर हमारे घराने को कोई करेगा ट्रोल तो फिर मुझे भी या मतलब हमारे को जवाब फिर देना पड़ेगा, तो अच्छा है ना हमें कुछ छेड़े, हमें रोज़े रखने दो, ना छेड़ो ना छेड़ो फरिश्ते हम जहाँ के सताए हुए। तो कहते हैं मैं जब मर गया ना तो फिर दफन होगा, फिर आगे जाऊंगा तो फरिश्ते पूछेंगे हिसाब दो, तो वो कहेगा भी अरे फरिश्तों ना छेड़ो ना छेड़ो हम जहाँ के सताए हुए, यानी कि इतना जहाँ से हम वो तंग होकर बंधा गया था, तो वो अगले जहान कहेगा फरिश्तों के भी हम लोग को तो जहान वालों ने बहुत सताया था, अब तो मर चुके हैं कब्र में आ चुके हैं, सुकून करने दो। तो बात यह है कि इंसान सवाब कमाए, और भी वो अच्छे से ये चीज़ें दिखा रही हैं, कुछ लोग सीख के वो ऐसी चीज़ें भी बना रहे हैं, अच्छे रोज़े का इंतज़ाम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे ये सब रोज़े के लिए इंतज़ाम करके आते हैं, सब बच्चे छोटे बड़े लैंप लेके आते हैं और लाइट लेके आते हैं और खाना शाना सब बैठते हैं, बहुत दिल खुश होता है, अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे इस सारा फैमिली को। अच्छा भाई, तो दूसरी बात करूँगा, मेरी कराची वाली फैमिली, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, दिलबर भी जा पहुंच चुका है जी, तो बाबर की तबीयत सही नहीं है, हमजा की भी पट्टी करा रहे थे बाबर साहब, अल्लाह ताला भी उन्हें आफियत दे और बहुत जल्द ठीक हो जाए हमारे बच्चे। बाबर साहब भी हमारे लिए बच्चा ही है, छोटा ही है भाई, तो आपके लिए कि तो बहुत बच्चों वाला होगा, लेकिन मेरे लिए इतना है जितना मतलब आप देख रहे हैं कि मीर हमजा है, इतना ही है, क्योंकि जो बच्चे हाथों में बड़े होना तो वो बच्चे ही होते हैं, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, लंबी उम्र करे, दुआ की अपना मीर की और भाई हमज़ा की। और भाई बात करते हैं भी अपना सब, तो इसके लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा बच्चों के लिए, अल्लाह ताला इन्हें भी खुश रखे और बहुत जल्द ठीक हो जाए हमारे गुलदस्ते हैं ये। तो बात करें अभी अपने, मैंने एक बात की थी कल रुबीना भाभी के लिए कि आप जो भी है क्या दिखा रही है हमें वो नहीं देखना, और कुछ अंगूठी की बात थी, तो उन्हें भाई कुछ बुरा लगा, लेकिन बात यह है कि भाभी साहब मैंने ये आपको कहा था आपको समझ नहीं आई,
कि आपने बजाय यहाँ रहने के आपके बच्चों को तकलीफ़ है, आपको हमजे के साथ बहुत प्यार था, मीर के साथ बहुत प्यार था, आप उसमें वीडियो में बहुत दिखाती थी और भी अपना रात दिन मतलब उनका पता करती थी जब कराची में थी, तो अब भी आपका वहाँ घर है, सब कुछ है, तो आप जा सकते हैं, क्योंकि मीर की, हमजा की और बाबर की तबीयत बहुत सारी ख़राब है, फातिमा को भी इस टाइम आपकी ज़रूरत थी, तो सुमेरा को भी आपकी ज़रूरत है, तो वहाँ एक बड़े का होना ज़रूरी था, क्योंकि कराची में थे, मेरी वाइफ भी वहाँ थी, लेकिन अब भी हम आ चुके हैं तो वो अकेले हैं, बजाय आप यहाँ घूमने के, रहने के, आप जाके कराची रहें अपने बच्चों के पास, और भी बच्चों को टेंशन में हमें देखा भी, दुआ भी दे रही थी, लेकिन बजाय दुआ आपकी ठीक है, लेकिन आप जाएं अपने बच्चों के साथ रहें, रमज़ान शरीफ के कुछ दिन वहाँ जाके गुजारें, उन बच्चों को भाई टेंशन में, मतलब फातिमा भी टेंशन में थी और भी हमजा की भी टांग में दर्द है, उसे ज़ख़म हो चुका है, तो बाबर की भी तबीयत ठीक नहीं है, सुमेरा बेटी की भी तबीयत सही नहीं है, तो फिर छोटे बच्चे को बहुत ज़रूरत है बड़ों की, तो आप बजाय आप यहाँ घूमने के आप वहाँ जाती और भी छोटे बच्चों के सर पर हाथ रखती और भाई कुछ दिन वहाँ गुजारते, लेकिन आप तो यहाँ खुशी खुशी घूम रही हैं, वो बच्चे आपको भूल गए, तो मैंने आपको बच्चे याद दिलाने की कोशिश की है कि आप अपने बच्चों को याद करें और अपने बच्चों के पास जाएँ। तो बहुत शुक्रिया जी, मेरी बातें अगर किसी को बुरी लगी हों तो माफ़ी चाहता हूँ, अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और भाई हो सके तो वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, तो क्योंकि ये मेरे रोज़ी रोटी का मसला है, मेरी समझो जॉब है इसमें, तो पहले भी मुझे 3 महीने जो है ना सैलरी नहीं मिली, आप जाकर मुझे देख सकते हैं मेरी पिछली वीडियो से इतना चल नहीं रही, खैर जितना भी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, चैनल के लिए मैं किसी का ज़्यादा जाके वो नहीं करूँगा, अभी मेरा कम चल रहा है, उसका ज़्यादा चल रहा है, देने वाली रिस्क रिस्क जो है ना अल्लाह के साथ है, अभी जोहर का टाइम होने वाला है, तो इसके बाद मैं वीडियो अपलोड करूँगा, जोहर को भी पहले मैं शाम को वीडियो डालता था, अभी जोहर को डालता हूँ, क्योंकि भाई शाम को रोज़े का टाइम होता है, हर बंदा अपने रोज़े के इसमें होता है, तो इस ये कुछ टाइम फ्री होता है, इसलिए इस टाइम वीडियो डाल देता हूँ, क्योंकि जिससे मैं फिर वीडियो डलाता हूँ उस मुझे फिर 3-4 किलोमीटर जाना पड़ता है, तम शम बनवाना, वीडियो डलवाने, तो फिर ऐसे रोज़े में आने जाने में 1-2 घंटे लग जाते हैं, तो खैर रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह हम रख रहे हैं, आप लोग भी रख रहे होंगे, तो अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, ज़रूर रखिएगा, नमाज ज़रूर पढ़िएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, गिला गोबत फ़र्ज़ नहीं है, ये गिला गोबत छोड़ दें, अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेंगे।